दोस्तों, क्या आपके भी कई सारे पौधे नर्सरी से लाए हुए खराब हो जाते हैं? कई तो रिपोर्टिंग के बाद खराब होते हैं, लेकिन कई रिपोर्टिंग से पहले ही खराब हो जाते हैं। तो रिपोर्टिंग से पहले क्यों खराब होते हैं, क्या गलतियां हम करते हैं, और मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 3 टिप्स बताऊंगी जिससे आपका नर्सरी से लाया गया पौधा कभी खराब नहीं होगा। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम कॉमनली तौर पर सभी करते हैं, तो वही गलतियां से आपको बचना है और सीखना है, और वो गलती को दोहराना नहीं है, तभी हमारे पौधे नर्सरी से लाए हुए सरवाइव कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में और फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है मेरा मूरसंडा का पौधा। ये पौधा देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके कई सारे कलर्स आते हैं, रेड, येलो और पिंक। ये कॉमन कलर्स हैं, आपको आसानी से किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा। रेड कलर इसका काफ़ी खूबसूरत लग रहा था नर्सरी में, तो मैंने रेड कलर परचेज़ किया। हालांकि पिंक वाले से ज़्यादा महंगा रेड कलर था अपने कलर की वजह से। हालांकि पौधा दोनों बिल्कुल सेम वैरायटी का है। ये मूरसंडा का पौधा रेड कलर में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने इसे परचेस कर लिया। अब घर लाने के बाद कौन सी गलती मैंने कर दी कि बाकी सारे पौधे मेरे अच्छे हैं लेकिन ये पौधा मेरा सूखता चला गया। कई सारे एफर्ट्स मैंने किए, फिर इसमें आप देखेंगे नए नए पत्ते शुरू हुए हैं आने। तो वही सारे ट्रिक और टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपका भी पौधा नर्सरी से लाए हैं तो वो बच जाएगा, सरवाइव कर पाएगा। क्योंकि जब ये पौधा ख़राब हो जाता है तो हमें काफ़ी दुख होता है कि एक तो पैसे भी खर्च हो गए और इतने खूबसूरत प्लांट जो हम पसंद करके लाए थे वो भी नहीं चल पाए। तो इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे ज़रूरी बातें बताऊंगी, तो आप ध्यान से सुनना और उसे अप्लाई ज़रूर करना अपने पौधे के ऊपर। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके सूखे हुए ब्रांचेस से नए नए पत्ते आने लगेंगे, लेकिन अभी भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जैसे कि मैं रख रही हूँ। तो ये सारी जर्नी अभी से लेके 15 से 20 दिन पहले शुरू हुई थी और अभी तक का सारा डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगा कि कैसे एक सूखते हुए पौधे से मैंने नए नए पत्ते निकलवा दिए। तो इस तरीके से आप भी अपने पौधे की केयर करेंगे तो आपके पौधे में भी नए नए पत्ते आने लगेंगे। कई बार नर्सरी से लाया गया पौधा रिपोर्टिंग के बाद खराब होता है, उस सिचुएशन में भी आप ये रेमेडी और विधि और ये टिप्स अप्लाई जरूर करेंगे। तो रिपोर्टिंग के बाद भी अगर आपका पौधा खराब हो रहा है तो भी सही हो जाएगा। तो दोनों सिचुएशन में, रिपोर्टिंग से पहले और रिपोर्टिंग के बाद, अगर आपका पौधा खराब हो रहा है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला टिप हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, टोटल 7 पौधे मैं लेकर के आई थी, जिसमें ये रंगून क्रीपर भी है, मतलब के मधुमालती। एक पौधा मेरे पास पहले से है जो मैंने कटिंग से लगाया था, एक पौधा मैंने और खरीद के लाया। अब यहाँ पर देखिए, इसके पत्ते आप कुछ पीले होकर के झड़ रहे हैं। तो इसके जितने पत्ते थे लगभग 70% पीले होकर के झड़ गए, लेकिन अब इसमें आप देखिए नई कलियाँ भी बन रही है और छोटे छोटे पत्तों से ये पूरा पौधा भर चुका है। इसे अभी तक मैंने रिपोर्ट नहीं किया है, लेकिन ये भी ठीक उसी प्लांट की तरह, बस इसकी टहनियाँ ही बची थी पतली पतली और ये पूरे पत्ते गिरा चुका था। तो ऐसा क्यों हुआ, कौन सी गलती मैंने कर दी? ये पौधा और मूरसंडा का पौधा, ये दोनों पौधे अपने सारे लीव्स गिरा करके बिल्कुल सूखे हुए तिनके की तरह खड़े थे, लेकिन बाकी के जो मेरे पौधे थे वो बिल्कुल सही सलामत थे। वो कैसे, वो भी जानेंगे, लेकिन अभी आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि कौन से पौधे मेरे नर्सरी से लाए हुए हैं और कौन से पुराने पौधे हैं? बिल्कुल नहीं पता चल रहा होगा और आप पौधे पहचान भी नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने इसे रखा है इस तरीके से है। कई बार हमने सुना है और किया भी है कि जब भी आप नर्सरी से पौधे लाएं, बाकी के पौधे के साथ जरूर रख दें कम से कम एक हफ्ते के लिए। तो यही काम मैंने किया इन पौधों के साथ। मेरे जितने भी पुराने पौधे थे तो वहाँ पर मैंने जगह बना करके यहाँ पर अपने 4 पौधे रख दिए जो मैंने नर्सरी से लेकर के आई थी। अब यहाँ पर आप देखिए, ये एक जोरा का पौधा है, ये जैसा मैंने लाया था वैसा ही है, बल्कि ना इसके पत्ते पीले हुए, ना झड़े और ना ही इसमें कुछ डैमेज हुआ। ये पौधा जैसा मैंने लाया था उसी तरीके से है, बल्कि एक दो नई ग्रोथ ब्रांच इसमें नई आ गई है। दूसरा पौधा है दोस्तों, ये है मेरा चंपा का पौधा जिसमें खुशबूदार फूल होते हैं। ये देखिए, इसके पत्ते भी आप देखिए बिल्कुल वही पत्ते हैं जो नर्सरी में थे। थोड़े बहुत ऊपर से नए पत्ते निकले हैं, लेकिन नीचे वाले पत्ते भी आप देखिए बिल्कुल सही सलामत हैं, और इसे भी मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है। तीसरा पौधा है दोस्तों मेरा प्लूमेरिया का, जिसे चंपा भी कहते हैं।
ये भी एक फूलों वाला पौधा है। इसमें भी आप देखें नई ग्रोथ हो रही है, कई सारे पत्ते इसमें आ चुके हैं घर लाने के बाद। लेकिन इस पौधे में भी आप देखिए बिना रिपोटिंग के भी ये पौधा खूब अच्छे से चल रहा है। चौथा जो मेरा पौधा है दोस्तों, इस तरीके से देखिए, ये छोटे से पॉली बैग में बिल्कुल लगा हुआ है और ये है अपराजिता का पौधा। इसमें ब्लू कलर के फूल आते हैं। अब आप इसमें भी देखिए कितने छोटे से पॉली बैग में ये लगा हुआ है, लेकिन आप इसमें देखिए ग्रोथ भी हो रही है और पत्तियाँ बिल्कुल हरी है, ना सूखी है और ना कुछ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके साथ हमने क्या किया कि इन चारों पौधों को पौधे के पीछे हमने छिपा करके रखा कि डायरेक्ट मिट्टी में धूप ना लगे और बारिश का पानी भी इसे आराम से मिलता रहे। लेकिन इन पौधे के साथ मैंने क्या किया कि वहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने इन दो पौधों को रख दिया दीवार के किनारे, जहाँ पर धूप तो नहीं लगती थी लेकिन इसे पौधों का साथ नहीं मिला। यही वजह थी इन पौधों का खराब होने का। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे पौधे नहीं हैं इन पौधों को छुपाने के लिए, फिर आप क्या करेंगे, तो इन्हें बिल्कुल भी खुले आसमान के नीचे ना रखें। ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसे ब्राइट स्पेस मिले, डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिले। नर्सरी में भले ही खुले धूप में रह रहे हों वो अलग सी बात है, लेकिन बिल्कुल आप घर ला करके इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे। अब देखते हैं टिप नंबर टू। जब मैंने देखा कि मेरा पौधा बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है, तब मैंने इसकी मिट्टी की ओर ध्यान दिया। नर्सरी की मिट्टी थोड़ी सी सख्त और चिपचिपी है, चिकनी मिट्टी है। ऐसे सिचुएशन में इसे रिपोर्ट करने की गलती ना करें। पौधा एक तो पहले ही बीमार है, रिपोर्ट का शौक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसे उसी गमले में उसी मिट्टी में छोड़ दें। बस आपको पानी का ख्याल रखना है कि इसकी मिट्टी मॉइस्ट बने रहे, ना बहुत ज़्यादा गीली हो और ना बहुत ज़्यादा सूखी हुई। तो इस तरीके से मैंने इसकी मिट्टी का ध्यान दिया। अब तीसरा टिप मैं आपको बताती हूँ। जब आप इन सारी बातों का ध्यान रखने लगेंगे तो आपको कुछ नए पत्ते नज़र आने लगेंगे। अगर नज़र नहीं आ रहे हैं तब भी आप ऊपर से कुछ टीप इसकी कट कर दें। गमले को छेड़छाड़ नहीं करना है, ऊपर की कुछ टीप आप कट कर दें, जिससे पौधा अपनी एनर्जी कुछ बचा पाएगा और कुछ एनर्जी लगा पाएगा नए पत्ते निकालने के पीछे। तो इसी मकसद से थोड़ी थोड़ी इसकी टीप ऊपर से आपको कट कर देनी है, जो पूरी तरीके से सूख चुकी है। तो ये काम हमने कर दिया। अब इसमें बिना काटे कुछ पत्ते आ रहे थे, अब जब हमने इसे काट दिया है तब तेज़ी से और भी पत्ते आने लगेंगे। लेकिन अभी इसे लाए हुए कम से कम 15 से 20 दिन हो चुके हैं। एक बार मैंने इसमें पहले आज से करीब 10 दिन पहले जब इसके पत्ते पूरे तरीके से झड़ने लगे, तब मैंने इसमें एक चीज़ अप्लाई किया था। वो क्या है वही देखेंगे टिप नंबर 3 में। दोस्तों अभी इसमें बिल्कुल भी आपको केमिकल फर्टिलाइज़र या फिर हेवी फीडिंग वाला फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं डालना है, जैसे वर्मी कंपोस्ट, कॉटन कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, ये सारे हेवी न्यूट्रिशंस वाले खाद हैं, इन्हें आप नहीं दे सकते हैं अभी। बिल्कुल हल्का, जो पौधे की सिर्फ बीमारी से बचाए, बस मकसद बस हमें यही होना चाहिए कि पौधे को अगर किसी तरीके का डिजीज़ है वो रिपेयर हो जाए, जड़ें इसके डेवलप करने लगे जिसका असर पौधे के ऊपर दिखाई दे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक चुटकी हल्दी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, गमला बहुत ज़्यादा छोटा है इसीलिए, एक चुटकी हल्दी आप इसके मिट्टी में डाल करके मिला देंगे। हल्दी एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से पौधे को रिपेयर करने का काम करता है, उसके जड़ों को सेव करता है, एंटी फंगल होता है जिसकी वजह से अगर जड़ों में फंगस वगैरह लग गया है तो भी ठीक कर देगा। इसमें कई सारे ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो चीज़ों को ठीक करने के लिए होती है। तो आपका पौधा अगर बीमार है तो ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई करेंगे और एक चुटकी हल्दी पाउडर आप डाल देंगे। तो इस तरीके से हल्दी पाउडर डाल देना है। डालने के बाद मिट्टी में इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। इसके बाद अगर मिट्टी सूखी है तो पानी डाल दें, नहीं सूखी है तो बिल्कुल ना डालें। उसके बाद इस हल्दी पाउडर में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 बूंद डालेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट को अप्लाई हमें कहाँ करना है वो ज़रूर देखिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पेस्ट बना लेने के बाद जहाँ से हमने इस प्लांट को कट किया था उसकी टिप पर हमें हल्दी का पेस्ट लगा देना है, ताकि ब्रांचेस जो हमने कट किए हैं वो और ज़्यादा ना सूखते जाएं। इसीलिए हल्दी का पेस्ट उन पर भी लगा देना है। अभी बारिश का मौसम है, बारिश होगी ये हल्दी छूट जाएगा, कोई बात नहीं, छूटेगा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आप दोबारा से पेस्ट मिला करके लगा दें। मिट्टी में ना डालें,
मिट्टी में आपको 10-12 दिन में एक ही बार डालना है, लेकिन पेस्ट जब छूट जाए तब आप इसे वापस से टिप पर जरूर अप्लाई कर दें। तो बस ये 3 ही काम आपको करने हैं, और इसके बाद भी इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ ये पता ही ना चले, मतलब पौधों के बीच में छिपा के रखना है। नहीं है पौधे तो फिर कहाँ रखना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो आपका पौधा भी सूखते हुए पौधे से सर्वाइव कर जाएगा। दोस्तों अब वक्त है उनके नाम देखने का जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था, तो चलिए देखते हैं उनके नाम क्या है। मीनाक्षी शर्माली बीकानेर से, तबस्सुम शेख पुणे से, संध्या अग्रवाल जी वाराणसी से। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी मुरसंडा का ही पौधा है, ये पिंक वैरायटी का है। सेम डेट पे मैंने इसे नर्सरी से खरीदा था उसी पौधे के साथ, लेकिन इसकी हालत आप देखिए और उसकी हालत आपने देखी,